So you have a question of what is time, huh? What time is it? Yes. This is my me with she. Ji. She matlab hours. So we say me with she gaan kyun kehte? Jab time. शीगान मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे फर्ज करें कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास टाइम है अच्छा। मतलब आपके पास टाइम है उसके लिए शीगान का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अगर आप पूछते हैं कि कितने बजे हैं तो बजे के लिए लफ्ज आवर्स का वो यूज होगा शी राइट शीगान अपनी का साथ लगा सकते हैं हाँ अगर आप पूछेंगे कि क्या टाइम है तो शॉर्ट मैंने आपको बताया था मी और शी लेकिन अगर आप ग्रामर के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर वही मी और शी आप निका तो फिर मी और शी आप निका फिर आप कहते हैं कि नाउ क्या टाइम है It's 2:53. Now. 2:53. तो क्वेश्चन में नाउ के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फिर आप कहेंगे मियत शी अपनी का चिगम तू शी ओ शिप सम्पन चिगम तू शी ओ शिप सम्पन अपनी दा हाँ ना इसीलिए मैंने आपको मियत शी मतलब आप किसी पूछते हैं व्हाट इज टाइम तो मियत शी लेकिन ग्रामर के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर मियत शी आप निका फिर कहेंगे कि अभी 2:53 है तो कहेंगे चिकन तू शी ओ शिप ओ कुन अम निदा लेकिन अगर आप डायरेक्ट कहते हैं 2:55 तो तू शी ओ शिप ओ कुन सर आज फर्स्ट डे है आपका जी अच्छा अच्छा आपका नाम क्या है सलमा सलमा अच्छा अच्छा आप यहाँ पे टीचिंग करती हैं नो सर स्टूडेंट हूँ कौन सी लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा अच्छा मैंने इसलिए पूछा कि कोरियन का कोई भी नहीं है सारे दूसरी लैंग्वेजेस की हैं बस यहाँ पे एक्स्ट्रा सीखने के लिए आते हैं ना जैसे ये अरबी और इंग्लिश सीखने हैं साथ में कोरियन का भी इनको हलवा खिलाया जाता है वो उसको क्या बोलते हैं सारा मिक्स करके अचार हैं या नहीं अब जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं फर्ज करता हूँ कि तुम कोरियन हो अच्छा नहीं वो बात ठीक है आपकी मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी क्लास में जो आ रहे हैं वो स्पेसिफिक कोरियन लैंग्वेज का कोई भी नहीं है वैसे मैडम ने कोरिया जाना है मैं सैहत काफी शौक है सैहत दिवस से जा रही है मैडम कोरिया
इस वजह से काफी दिलचस्पी भी रही। जमीन घूमती है तो जब घूमती है तो पता नहीं बंदा कहाँ पर चला जाए। इंसान के नसीब में रिस्क कहाँ से लिखा है उसको पता नहीं होता, और जहाँ पे रिस्क लिखा होता है वो खींच के उस बंदे को वहाँ ले चला जाता है। क्या पता आपके नसीब में कोरिया से कुछ खाना आपके नसीब में हो तो आप जा भी सकते हैं, उसमें प्लानिंग के बगैर कहीं ना कहीं आपके जहन में ऐसे ही कुमार उठेगा कि मैं कोरिया जाता हूँ तो काम भी हो जाएगा। वैसे सर आप पंजाब से, पंजाब से कोरिया का इंतखाब कैसे हुआ आपके? मैं इस तरह है कि उर्दू में मास्टर किया पेशावर आपकी यूनिवर्सिटी से, ये यूनिवर्सिटी आप पेशावर ठीक है, उर्दू में मास्टर किया। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग का शौक़ पैदा हुआ तो फिर मैंने प्राइमरी टीचिंग कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने सिटी का कोर्स किया, फिर मैंने उसके बाद बीएड किया और फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल टीचर की जॉब शुरू की। फिर इंसान, मैंने पहले कहा है ना कि जब आपके नसीब में कहीं का रिस्क लिखा होता है तो आप फिर उस तरफ अचानक ही आपको वो खींच के लेके चला जाता है। तो मैं सरकारी मुलाजिम था, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था, तो अचानक ही बस मुझे गुबार मेरे दिमाग में आया कि चलो कोरिया चलते हैं। तो कोरिया की सिलेक्शन जो है वो बहुत मुश्किल है, मतलब फर्ज करें कि अभी आप कोरिया के लिए अप्लाई करते हैं ना तो कोरिया की वैकेंसीज आएंगी 50, ठीक है, अप्लाई करने वाले बंदे होंगे कोई 9 लाख 10 लाख, तो 10 लाख में से फिर वो कुरानदाजी होती है, ठीक है। तो मैं जब कोरिया जाने लगा तो सेम सिचुएशन थी, और इंटरव्यू जब हो रहे थे तो इतना रश था कि कहीं नज़दीक जाने का चांस ही नहीं मिल रहा था। मैं तो 3 दिन जाता रहा उधर आगे, मतलब इतना रश था कि नज़दीक जाने का आगे चांस ही नहीं मिलता था, इतने दूर तक जमघटा था कि ये समझ लें कि यहाँ से आष्टनगरी तक आप चले जाएं, मतलब आष्टनगरी से आगे आपके जाने का कोई रास्ता ही नहीं है कि आप जा सकते हैं। तो लास्ट डे था उनका, उसमें उन्होंने मगरब की अजान हो गई तो उन्होंने अनाउंस किया कि कोई बंदा ऐसा है जिसका इंटरव्यू ना हुआ हो या अप्लाई करना चाहता हो तो अपनी एप्लीकेशन दें। तो रश ज़्यादा था, मैं जब गया तो किधर से एक विंडो खुली हुई मुझे नज़र आई, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उस विंडो से अंदर फेंक दिए, तो मैंने किसी के हाथ में नहीं किए ना ही मैंने अप्लाई किया। मैंने सोचा आया हुआ हूँ तो ये पेपर चाहे कचरे के ड्रम में फेंक के हूँ या किधर भी मैंने फेंक के जाना है, तो मैंने वो विंडो से अंदर फेंक दिए। किसको मिले, किसने उठाए, कैसे हुआ, अप्लाई करने वाले लाखों में लोग थे, तो जब सिलेक्शन हुई तो 23 बंदों का नाम था, उन 23 बंदों में मेरा भी नाम था। मैंने किधर से भी अप्लाई नहीं किया था, मैं पेपर विंडो से अंदर फेंक के चला गया था। बस तो अच्छा लगा, बाद में नतीजा अच्छा निकला तो हम समझे अच्छा ही हुआ उसका। मैंने आपको पहले कहा जब आपके नसीब में कहीं लिखा हो तो आप किधर से किधर पहुंच जाते हैं, फिर आप पता नहीं चलता। बस टाइम भी पढ़ लिया, गिनती भी पढ़ ली है, महीने के नाम भी पढ़ लिए हैं, कल इंशाल्लाह हफ्ते भी दिनों के नाम पढ़ के
फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ और कर लेंगे। आज मैंने इतना कुछ सीखा, आज मैं डॉलर काउंट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं डॉलर से ज़्यादा करता हूँ। तो आप इस तरह करें कि सिटी बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में चले जाएं, वहाँ पे डॉलर अकाउंट से ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे आपको डॉलर काउंट करने का चांस अच्छा मिलेगा।